हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, दैट इज कि कॉपी करना है हमें डेटा फ्रॉम वन फाइल टू अनदर। तो उसके लिए हमारे पास कोई एक फाइल होनी चाहिए, देन दूसरी फाइल हम क्रिएट कर सकते हैं वाइल राइटिंग। ठीक है, तो इसका मतलब है जो फर्स्ट फाइल होगी उससे हमें रीडिंग करनी है और जो अदर फाइल है उसके ऊपर हमें राइटिंग करनी है। एक चीज आप ध्यान रखें कि जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाएंगे उसके अंदर आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि आपको दो फाइल बनानी है, इसका जो डेटा है उसे रीड करके यहाँ पे राइट करना है। इफ दिस इज वन फाइल तो इसे हम ले लेते हैं a1.txt और इसे ले लेते हैं a2.txt। अगर इस फाइल को हमें रीड करना है तो ये पहले से होनी चाहिए। इस फाइल पे अगर राइट करना है तो ये है या नहीं है, बट राइटिंग मोड ये वाली फाइल को क्रिएट कर देगा। ठीक है, एक और चीज, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले हम फाइल के अंदर तीन चीजें देखेंगे। एक तो फाइल का नाम हमें देखना है कि क्या रखना है, फिर हमें मोड देखना है कि हमें मोड क्या रखना है, इसका रीडिंग रखेंगे इसका राइटिंग रखेंगे। तीसरी चीज, हम इसका पॉइंटर बनाएंगे, तो इसका पॉइंटर P1 बना लेंगे, इसका पॉइंटर P2 बना लेंगे। अगर आप इतना क्वेश्चन समझ जाते हो तो काफी सारा कोड आप अपने आप बना लोगे। अब इसके बाद हमारा क्या रह जाता है, हमारा रह जाता है रीडिंग का कोड, जो हम कोई भी मेथड लगा सकती हैं, एफ स्कैन एफ, एफ गेट सी, एफ गेट एस, गेट डब्ल्यू, गेट कैर, देर आर सो मेनी मेथड जिससे हम रीडिंग कर सकते हैं। राइटिंग के लिए वी कैन यूज एफ पुट्स, एफ प्रिंट एफ, एफ पुट सी। ओके, दीज आर सम एग्जाम्पल। लेट्स मूव टू द कंपाइलर। तो अब हमें क्या करना है, अभी हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा वहां पे समझा, तो अब हमें कितने पॉइंटर्स चाहिए फाइल के, कितनी फाइल्स बनानी है, हमें टू फाइल्स बनानी है। हमने क्या क्या नाम रखे थे उनके, P1, P2। ठीक है, अब हमें दोनों फाइल को ओपन करना है, तो हमें कितने एफ ओपन मेथड चाहिए, हमें टू ओपन मेथड चाहिए। इसमें जो इन्फॉर्मेशन फिल करनी है वो इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं। तो जो P1 है वो किसे पॉइंट करेगा, A1.txt को, कौन से मोड में, रीड मोड में। और P2 किसे पॉइंट करेगा, A2.txt को, और कौन से मोड में, राइटिंग मोड में। ठीक है, यहाँ पे हम क्लियर स्क्रीन लगा लेते हैं अगर हमें कॉन्सोल पे कुछ करना होगा। देन अब हम a1.txt से रीडिंग करेंगे। रीडिंग करने के लिए वी विल यूज अ मेथड दैट इज एफ स्कैन एफ, जिसका पहला आर्ग्यूमेंट होता है p1, जिससे हमें रीडिंग करनी है। मतलब p1 विल बी पॉइंटिंग टू द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ a1.txt इनसाइड। ओके, तो पहला आर्ग्यूमेंट है p1। फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना है उस स्ट्रिंग का, मतलब उस चीज का जिसे रीड करना है। तो एफ स्कैन एफ से हम स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग रीड कर लेते हैं। स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग रीड करना है तो हमें एक कैरेक्टर एरे बनाना होगा। लेट्स एस उसका नाम रख लेते हैं, 20 इसका मैक्सिमम साइज दे देते हैं। तो हम स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग रीड कर लेते हैं। हम कैरेक्टर स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग कैसे करेंगे, परसेंटाइल एस लगा के। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कैसे करेंगे, परसेंटाइल सी लगा के। फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज कर सकते हैं, इंटीजर बाय इंटीजर रीडिंग करनी होगी तो परसेंटाइल डी लगा देंगे और उसका करेस्पॉन्डिंग वेरिएबल हम यहां लिख देंगे। तो यहां पे हमने लिखा एस और परसेंटाइल एस हो गया इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो एफ स्कैन एफ मेथड हमें करता है रीडिंग के लिए अलाउ, देन एफ प्रिंट एफ मेथड हमारा अलाउ करेगा राइटिंग के लिए। अब सबसे पहली चीज, जब हम ये दोनों मेथड बना रहे हैं तो हमें उससे पहले ये चेक करना है कि ये फाइल्स अवेलेबल हैं या नहीं है।
अब हमने कोड लिख लिया दोनों के लिए, दोनों के लिए लिख लिया कि अगर P1 null को पॉइंट कर रहा है तो देर इज नो सच फाइल कॉल्ड a1.txt, इफ P2 इज इक्वल टू null देर इज नो सच फाइल कॉल्ड a2.txt। अच्छा, रीडिंग के अंदर अगर फाइल नहीं होगी तो हमारा a1 इज नॉट प्रेजेंट आ जाएगा, होगी तो ये आ जाएगा। राइटिंग मोड में अगर आपकी फाइल नहीं होती तो वो क्रिएट हो जाती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो अगर आपको वो चेक करना है तो आप यहाँ पे रीडिंग मोड लगा के कर सकते हैं, बट इफ यू चेक वाइल डूइंग राइटिंग तब आपका कभी भी ए टू इज नॉट प्रेजेंट नहीं आएगा। तो लेट्स रन दिस, कंट्रोल एफ नाइन, फोर एरर्स, ओके आई फॉरगॉट, इट हैज टू बी इन कैपिटल लेटर्स। ओके, वन थिंग मोर टू सी द आउटपुट, आई हैव टू राइट गेट सी एच, कंट्रोल एफ नाइन, और ऑल्ट एफ फाइव से भी हम आउटपुट देख सकते थे। ए वन इज नॉट प्रेजेंट, ए टू इज प्रेजेंट। ए टू फाइल भी नहीं थी मेरे कंप्यूटर में बट इसने क्रिएट की है, ठीक है। ए वन वाली फाइल भी नहीं है। अब जिससे रीडिंग करना है अगर वो फाइल ही नहीं है देन देर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग दिस प्रोग्राम। तो अब मैं जाके अपने कंप्यूटर में एक a2.txt बना देती हूँ और उसमें कंटेंट राइटिंग कर देती हूँ। नाउ आई एम इन दी लोकेशन इन दी बिन। अब मैं यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट कर देती हूँ, टेक्स्ट फाइल जिसका नाम होगा a1, ठीक है। ये फाइल यहाँ पर नहीं थी, अब मैंने बनाई है, तो अभी तक मेरे प्रोग्राम में जो आउटपुट आ रहा था कि फाइल इज नॉट प्रेजेंट, अब वो नहीं आएगा क्योंकि अब मैंने कर दिया है, क्रिएट कर दिया है। कंपाइलर मेरा बंद हो गया था, आई हैव ओपनड इट, नाउ दिस वॉज माई प्रोग्राम। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ तो लेट सी दी आउटपुट, दैट अब आ गया ए वन फाइल इज प्रेजेंट, ए टू फाइल इज प्रेजेंट। अब द प्रॉब्लम इज देर इज नो डाटा इन माई फाइल, तो अब मैं a1.txt के अंदर अपना कुछ डेटा पेस्ट करती हूँ। जस्ट अब मेरी जो a1.txt है जिसमें से हमें डेटा को रीड करना है, अब मैंने उस फाइल के अंदर कुछ डेटा लिख दिया है, और अब a2.txt जिसमें हमें कंटेंट को पेस्ट करना है, उस वो फाइल खाली पड़ी है, उसमें अब हम राइटिंग करेंगे बाय रीडिंग फ्रॉम दी फाइल। रीडिंग अब हम करेंगे यूजिंग एफ स्कैन एफ मेथड, ठीक है। मैं इस कोड को पूरे को रिमूव कर देती हूँ क्योंकि हमें पता है वाइल राइटिंग फाइल क्रिएट हो जाती है एंड ए टू इज ऑल्सो क्रिएटेड, ठीक है। तो अब हम रीडिंग का काम करते हैं, तो आई हैव रिमूव्ड माई अनवॉन्टेड कोड, सो लेट मी राइट द कोड। राइट अ कोड जिसके अंदर मैंने एफ स्कैन एफ मेथड किया है। एफ स्कैन एफ मेथड फाइल से रीडिंग करने के लिए यूज होता है, इट कैन रीड किसी भी तरह का डेटा, जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे लिखा होगा उस टाइप का डेटा ये रीड कर सकता है। फिलहाल मैंने यहाँ पे एस पास किया है, एस मेरा एरे है, कैरेक्टर एरे, तो यहाँ पे स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग मेरा डेटा रीड होगा, ठीक है। अब ये डेटा जब तक अवेलेबल है तब तक हमें रीडिंग करनी है, एंड वाइल डूइंग दैट अब उसको हमें राइट करना है ऑन दिस पी टू, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें ये रीडिंग एक लूप में करनी होगी, तो लेट मी राइट दी कोड। आई हैव रिटन अ वाइल लूप कि अगर रीडिंग हो रही है कब तक, जब तक ईओएफ नहीं आ जाता तब तक हम रीड करते रहेंगे, एंड वाइल रीडिंग वी विल बी राइटिंग। तो राइटिंग के लिए वी विल यूज एफ प्रिंट एफ मेथड। अगर आपको एफ प्रिंट एफ मेथड नहीं आता है या कोई भी मेथड आपको नहीं आता है, यू कैन गो टू दी इंडेक्स एंड यू कैन सर्च दी मेथड। तो एफ प्रिंट एफ मेथड ये रहा एंड एफ प्रिंट एफ मेथड ये रहा, ये फॉर्मेटेड आउटपुट को किसी भी स्ट्रीम में भेज सकते हैं, और फिलहाल दैट स्ट्रीम इज फाइल। तो इसमें सबसे पहला हमारा पॉइंटर आएगा और फिर वो डेटा जो आप राइट करना चाहते हो, तो लेट्स डू दैट। अब मैंने एफ स्कैन एफ मेथड से रीडिंग कर ली जब तक ईओएफ नहीं आ जाता, दैट इज द एंड ऑफ द फाइल, जब
फाइल में सारा डेटा वाइल रीडिंग खत्म हो जाता है तब यूएफ रीड होता है, तब तक ये लूप चलेगा। एंड वाइल रीडिंग जिस फाइल को पी टू पॉइंट कर रहा है, किसे पॉइंट कर रहा है, पी टू किसे पॉइंट कर रहा है, ए टू डॉट टी एक्स टी को, उस पे एफ प्रिंट एफ के थ्रू हम एस में जो भी डेटा आएगा वो राइट होता रहेगा। अब हमारे आउटपुट पे कुछ नहीं आया, तो नाउ वी हैव टू मैन्युअली गो टू ए टू डॉट टी एक्स टी एंड टेस्ट कि उसमें डेटा जो ए वन डॉट टी एक्स टी में है वो है या नहीं है। तो लेट्स गो एंड चेक, जो डेटा कॉपी हुआ है ए वन डॉट टी एक्स टी से, दिस वॉज द डेटा, ये रीड हुआ है और ये ए टू डॉट टी एक्स टी में पेस्ट हो गया। अगर आप देखें तो इट इज नॉट फॉर्मेटेड, द के बाद स्पेस होना चाहिए, इंटरनेट के बाद स्पेस होने चाहिए, तो ये फॉर्मेटिंग आपको वाइल राइटिंग दी कोड ही करनी होगी। ठीक है, तो अब इसी डेटा को मैं दोबारा राइट करती हूं क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं हुई है। सो लेट मी गो टू द कोड एंड रन इट अगेन बाय फॉर्मेटिंग इट। तो मैं वाइल राइटिंग यहां पे स्पेस दे देती हूं, ठीक है, एंड आई एम अगेन रनिंग इट। ओके, लेट मी गो बैक टू द फाइल, आई एम क्लोजिंग दिस फाइल ए टू डॉट टी एक्स टी। नाउ सी, अब ये जो डेटा दोबारा राइट हुआ है ये थोड़ा सा फॉर्मेट होके हुआ है। इफ यू वॉन्ट्स टू सी मोर चेंजेस आई विल गो बैक टू कंपाइलर और यहां पे जैसे हम स्लैश एन डाल सकते हैं, लेट्स कंपाइल इट अगेन, एंटर, क्योंकि बार बार मुझे कंपाइलर से बाहर आना पड़ रहा है, ए टू डॉट टी एक्स टी पे राइटिंग की थी तो अब मैंने स्लैश एन डाला था। सो बिफोर इट वॉज एम्प्टी, नेक्स्ट जब कॉपी हुआ तो विदाउट स्पेस आया, नेक्स्ट जब मैंने राइटिंग करी तो विद स्पेस आया, उसके बाद जब मैंने राइटिंग की तो स्लैश एन के साथ आया। तो एवरी टाइम व्हेन आई वाज राइटिंग, डेटा जो है वो शुरू से कॉपी होता है, ओवर राइटिंग होती है इन राइटिंग मोड। अगर यही अपेंड मोड होता तो ईओएफ के बाद डेटा हमारा कॉपी होता, ठीक है, मतलब पुराना डेटा भी रहता और ईओएफ जब एंड हो जाती फाइल, जस्ट लाइक अगर यहां पे हमारी फाइल एंड हो रही है ऑब्जेक्ट्स पर तो राइटिंग के बाद यहां पे आगे कॉपी होता, ठीक है। आर पर्पस इज सॉल्व, हमारा डाटा एक फाइल से रीड होके दूसरी फाइल में पेस्ट हो गया है विद द हेल्प ऑफ एफ स्कैन एफ एंड विद द हेल्प ऑफ एफ प्रिंट एफ। पी वन से हमने स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग डेटा रीड किया है एंड एफ प्रिंट एफ के थ्रू स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग हमने डेटा को पेस्ट किया है। यही काम अगर आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करना चाहते तो यहां पे आप कैरेक्टर डिक्लेयर करो, ठीक है, और यहां पे आप सी लिखिए, यहां पे सी लिखिए क्योंकि परसेंटाइल सी इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर दैट, यहां पे सी लिखो एंड यहां पे सी लिखो, ठीक है। तो अब आपका जो डेटा जो पेस्ट होगा वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर होगा। अगर आपको पता है कि आपकी फाइल में इंटीजर टाइप है तो आप परसेंटाइल डी यूज कर सकते हैं। तो एफ स्कैन एफ एंड एफ प्रिंट एफ मेथड फॉर्मेटेड इनपुट रीड करते हैं, फॉर्मेटेड आउटपुट को राइट करते हैं, और इसमें आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं विच वी हैव डन इन दिस परसेंटाइल एन, ओ सॉरी स्लैश एन स्लैश टी, एवरीथिंग यू कैन अप्लाई इन एफ प्रिंट एफ एंड एफ स्कैन एफ। ओके, होपफुली यू अंडरस्टूड, इट टुक टाइम but it's worth it. Thank you so much. Try it yourself on your compiler, then you will gain some confidence. और आपसे और questions जो हैं वो और अच्छे से solve होंगे. If you are having any problem, you can comment below. Thank you so much.